हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे प्रोविडेंट फंड। ये बीकॉम पार्ट सेकंड में इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का टॉपिक है। प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि क्या होता है? एम्प्लॉय को पर मंथ जो सैलरी मिलती है उसमें से कुछ प्रोविडेंट फंड के रूप में कुछ डिडक्शन होता है। तो एम्प्लॉय क्या करता है, वो डिडक्शन किसी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में डिडक्शन करने के बाद में वो इन्वेस्टमेंट करता है, और एम्प्लॉयर की तरफ से भी कुछ पैसा उसमें मिलाया जाता है। तो वो क्या, जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद में या तो फिर वो रिटायरमेंट पर या फिर नौकरी छोड़ने पर वो पैसा विथ इंटरेस्ट एम्प्लॉय को मिलता है, तो वो हो जाता है, वो कहलाएगा प्रोविडेंट फंड। अब ये देखेंगे प्रोविडेंट फंड में एक तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एक एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा और किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, तो अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रोविडेंट फंड में कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो होता है स्टेचरी प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ, और एक हो सकता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ, और एक होता है यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तीन कैटेगरी है, एक तो एसपीएफ, एक आरपीएफ और एक यूआरपीएफ। ठीक है, अब इसमें देखें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। पहले बात करते हैं एम्प्लॉय खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन की, बात करते हैं एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। यदि एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन एसपीएफ में स्टेच्यू प्रोविडेंट फंड यानी वैधानिक भविष्य निधि, यदि वैधानिक भविष्य निधि में कर्मचारी का खुद का अंशदान होता है तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि ग्रोथ सैलरी में तो वो ऐड किया था। हालांकि वो अलग बात है कि एटीसी के अंदर बाद में उसको छूट मिल जाएगी, वो अपन विस्तार से बाद में पढ़ेंगे जब वो नेक्स्ट चैप्टर में जब एटीसी में आएंगे तब। तो यहाँ पर सैलरी हेड में ये टैक्सेबल होगा। आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड प्रमाणित भविष्य निधि, इसमें भी एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा, बाद में एटीसी में छूट मिल जाएगी। अब बात करते हैं यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अप्रमाणित भविष्य निधि, इसमें भी एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन की। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, नियोक्ता का अंशदान। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एसपीएफ में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है तो वह एग्जम्प्टेड रहता है। बात करते हैं आरपीएफ की। आरपीएफ में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी के 12%, 12% ऑफ सैलरी, सैलरी के 12% तक तो एग्जम्प्ट रहेगा, अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जम्प्टेड, यानी सैलरी के 12% तक तो एग्जम्प्ट रहेगा और उसके बाद में टैक्सेबल होगा। बात करते हैं यूआरपीएफ में, यूआरपीएफ में पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड रहेगा। ये तो बात हो गई अपनी अब इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हो गई, अब इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन पीएफ। अपने को पीएफ भी जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलेगा
एसपीएम में तो एग्जम्प्ट रहेगा और आरपीएफ में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड प्रमाणित भविष्य निधि में ये अप टू 9.5% ऑफ सैलरी, सैलरी के 9.5% तक ये एग्जम्प्टेड रहेगी और इसमें पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड रहेगा। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन पीएफ हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है कि जब पैसा ये इकट्ठा इन्वेस्ट होता चला जाता है, इसके बाद में अपने को या तो रिटायरमेंट पर या नौकरी छोड़ने पर अपने को एक एम्प्लॉय को पैसा मिलता है, रिसीव आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट पर जो पैसा मिलता है वो बात करते एसपीएफ में एग्जम्प्टेड रहेगा। जितना भी पैसा मिल जाएगा वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा एसपीएफ के अंदर। ठीक है, अब बात करते आरपीएफ की। आरपीएफ में क्या होगा, आरपीएफ में एग्जम्प्टेड रहेगा लेकिन आरपीएफ में एग्जम्प्टेड होने के लिए जरूरी है यदि वो कर्मचारी नौकरी छोड़ता है तो उसकी कम से कम 5 वर्ष की सर्विस पूरी हो जानी चाहिए। यदि कर्मचारी 5 वर्ष से कम सर्विस करके छोड़ता है तो उस दशा में क्या होगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। 5 साल की सर्विस होना जरूरी है लेकिन कुछ जैसे मान लो कि बीमारी की वजह से, अस्वस्थता की वजह से कोई स्पेशल कारण हो गया तो स्पेशल कंडीशन में तो क्या है उसको अगर 5 साल से कम सर्विस रहती है तो भी एग्जम्प्टेड हो जाता है। एक क्या होता है कि जब एक कर्मचारी 5 साल से कम नौकरी छोड़ के दूसरी डिपार्टमेंट में जाता है तो क्या होता है कि उसका जो पैसा है प्रोविडेंट फंड का वो उस डिपार्टमेंट में केस ना उठाकर वह उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करवा लेता है तो वो ट्रांसफ़र करवाने पर भी वो एग्जम्प्ट रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूआरपीएफ। यूआरपीएफ में क्या है कि यदि पैसा मिलेगा तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का क्या इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी एम्प्लॉयर नियोक्ता का खुद का अंशदान प्लस उसके अंशदान पर जो ब्याज मिलेगा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये क्या होगा शॉर्ट में लिखता हूं कॉन्ट्रीब्यूशन, ये क्या होगा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी, शॉर्ट में लिख देता हूं, यानी कर नियोक्ता का अंशदान व उसके अंशदान पर मिलने वाला ब्याज सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। अब बात करते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की, खुद कर्मचारी का अंशदान एग्जम्प्टेड रहेगा। खुद कर्मचारी का अंशदान एग्जम्प्टेड रहेगा लेकिन उसको उसके अंशदान पर जो ब्याज मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा।
इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, ये किस हेड में टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अब बात करते सैलरी मींस, सैलरी में क्या क्या लेना है अपने को? ठीक है, अब जब एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो अपने को सैलरी की जरूरत पड़ेगी। सैलरी में अपने को क्या क्या लेना है? सैलरी मींस बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन बेस्ड ऑन सेल। ओनली विक्रय से संबंधित कमीशन, ठीक है। एक बार एसपीएफ हो जाएगा, स्टेचुरी स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड, ठीक है, यानी वैधानिक भविष्य निधि, वैधानिक आरपीएफ हो जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, शॉर्ट में लिख देता हूं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यानी प्रमाणित भविष्य निधि। और लास्ट है यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रमाणित भविष्य निधि। ठीक है,